बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं हमारे पास होममेड नमक पारे, तो लीजिए देखिए कितने क्रंची हैं। ऐसे ही खस्ता नमक पारे आप घर पर बाजार से बेहतरीन बना सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। आप नमक पारे बनाते हुए क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ये खस्ता नहीं रहते, तो आइए आज जानिए नमक पारे की सीक्रेट रेसिपी। बिस्मिल्लाह से आगाज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगी मैदा, जिसकी मिकदार है एक कप। फुल एक कप लिया है ये मैदा और इसको सबसे पहले आपने छान लेना है। मैं यहाँ पे छना हुआ मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक आधा खाने का चम्मच, अजवाइन जाएगी आधा खाने का चम्मच, और हम लेंगे सफेद जीरा जिसकी मिकदार है आधा खाने का चम्मच। ये अज्जा इस खुश्क मैदे के साथ हमने मिक्स कर देने हैं अच्छे से। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ी स्पेस क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार है दो खाने के चम्मच। ये है वो सीक्रेट जो कि अक्सर आपको नहीं मालूम होता। जब हम कुकिंग ऑयल डालते हैं, कुकिंग ऑयल डाल लेने के बाद इसी तरीके से खुश्क मैदे के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेने के बाद मिक्सअप करेंगे तो उतने ही खस्ता नमक पारे तैयार होंगे। अब हमें अगला इंग्रेडिएंट चाहिए है पानी। पानी हम लेंगे इसी मिकदार में जिस तरीके से हम आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पानी लेकर हम इसको गूंद लेंगे। डो हमने तैयार करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल घर में आटा गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, एकदम से तमाम का तमाम पानी नहीं डालना। पानी थोड़ा थोड़ा डालने का मकसद ये है कि ये एकदम से बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि हमें कुछ इस किस्म की डो चाहिए है जो कि थोड़ी हार्ड भी हो और थोड़ी सॉफ्ट भी हो। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हमें डो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको लगातार गूंद लेंगे। जबरदस्त से इस पे पंच लगाइए। पंच लगा के हम इसको अगेन से रोल करेंगे और एक बॉल बनाकर हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब हम इस बॉल को देंगे रेस्ट। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसके ऊपर करेंगे टस्ट। डस्ट कर लेने के बाद अब हमने इसको बेलना है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है, बहुत ज्यादा बेलेंगे तो ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और आपका जो काउंटर है उसके साथ ये चिपक सकता है। तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप इसके ऊपर डस्ट कीजिए मैदा। मैंने इस तरीके से मैदा डस्ट किया है और इसको अच्छे से बेल लिया है। ये देखिए इसको इतना पतला बेला है कि मैं आसानी से इसको डील भी कर सकती हूँ और मेरे काउंटर पे ये चिपका नहीं है। तो इतना हमने इसको बेल लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी कटर का। ये कटर इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयों के लिए, मुख्तलिफ किस्म के मीठों में ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये कटर लेकर हमने इनको स्ट्रिप्स में कट कर लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं थोड़ा बाजार की लुक देने के लिए, तो इसलिए मैंने इस कटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसको सिंपल छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने तमाम के तमाम कट कर लिए हैं। कट कर लेने के बाद भी देखिए मेरे पास जो बेला हुआ ये पेड़ा है ये बिल्कुल भी काउंटर के साथ नहीं चिपका। तो आपने एहतियात करनी है। जब हम इनको अलहदा कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप आती है इसके ऊपर थोड़ी सी मिकदार में डस्ट कर देना है मैदा, तो कि जितने भी ऊपर नीचे आप ये स्ट्रिप्स रखेंगे तो ये आप इसमें चिपकेंगी नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है ताकि हम इसको हैंडल आसानी से कर सकें। तमाम की तमाम स्ट्रिप्स कट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल देख सकते हैं आप कितना गर्म है। गर्म कुकिंग ऑयल के अंदर हमने ये तमाम की तमाम स्ट्रिप्स डाल देनी है। जितना बैच आप एक टाइम पे मैनेज कर सकते हैं आप उतनी ही मिकदार में डालिए। इस तरीके से इसको हमने मीडियम आंच के ऊपर पका लेना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। हाई पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और बहुत लो पे पकाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो आंच का आपने ख्याल रखते हुए इसको पकाना है। मीडियम आंच पे ऑयल को गर्म कीजिए और मीडियम आंच पे ही तमाम के तमाम नमक पारे इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये देखिए इनका अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज हो चुका है। तो लाजवाब से ये नमक पारे हम यहाँ से अलहदा कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने में ही नजर आ रहे होंगे कितने क्रिस्पी हैं। तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। मेहमान आ जाएं, बच्चों के लिए बनाएं, शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व कीजिए।
ये क्रिस्पी, ये क्रंची नमक पारे बाजार से बेहतरीन बनाए गए हैं। रेसिपी में मुख्तलिफ किस्म की टिप्स और ट्रिक्स शेयर की गई हैं, बस आपने उनको फॉलो करना है। आंच का ख्याल रखना है, आपने आटा गूंथते हुए उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालना है। तो मुख्तलिफ टिप्स मुख्तलिफ स्टेजेस से बताई गई हैं। वीडियो को मुकम्मल तौर पर ध्यान से सुनिए, फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही आसान सी रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।